तो आज के स्टूडियो में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के स्टूडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि हम लोग हिंदी फॉन्ट्स कहाँ से डाउनलोड करेंगे और हमें अच्छे अच्छे फॉन्ट्स कैसे मिल जाएंगे हिंदी के। तो सबसे पहले आपको गूगल फॉन्ट्स में आना रहेगा। इस वेबसाइट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप गो थ्रू करके यहाँ पर आ सकते हैं। यहाँ पर आप आएंगे तो आपके सामने ऐसा कुछ सर्फ इंटरफेस दिखेगा। उसके बाद आपको कैटेगरी में जाना रहेगा। तो कैटेगरी में आप यहाँ बहुत सारे फॉन्ट्स के अलग अलग कैटेगरीज देख सकते हैं, सन सेरिफ, डिस्प्ले, हैंडराइटिंग, मोनोस्पेस। उसके बाद लैंग्वेजेस में आना है। लैंग्वेजेस में आप यहाँ पर आएंगे तो आपके सामने बहुत सारे लैंग्वेजेस दिखेंगे, पर आपको हिंदी कहीं नहीं दिखेगा। तो आपको हिंदी की जगह यहाँ पर एक देवनागरी दिखेगा। देवनागरी आपको सेलेक्ट करना है क्योंकि देवनागरी में ही सारी हिंदी भाषा रहेगी, मतलब हिंदी फॉन्ट्स वाले रहेंगे यहाँ पर। हाँ, तो यहाँ पर देखिए हिंदी फॉन्ट्स मैंने देवनागरी सेलेक्ट किया तो यहाँ पर मुझे 44 फॉन्ट्स अवेलेबल देखने को मिल रहे हैं 977 फॉन्ट फैमिली में से। तो इनके पास 977 फॉन्ट्स हैं टोटल, अलग अलग लैंग्वेजेस को लेके, अलग अलग कैटेगरीज को लेके। तो इनके पास 44 हिंदी फॉन्ट्स अवेलेबल हैं। तो यहाँ पर देखिए इतने सारे फॉन्ट्स आ गए। तो यहाँ से आपका डाउनलोड करने का बेनिफिट ये रहेगा, आप इन सभी फॉन्ट्स को लाइव एक्शन में करके देख के उसके बाद इसे डाउनलोड कर सकते हैं। जैसा कि मैं आपको बता देता हूँ, जैसा कि मुझे यहाँ पे देखिए राजधानी फॉन्ट थोड़ा यूनिक लग रहा है देखने में, बहुत पतला और थिक है। तो यहाँ पे इसे ना आप सेंटेंस में भी देख रहे हैं तो आप इसे पैराग्राफ में भी देख सकते हैं। देखिए पैराग्राफ में कुछ इस तरीके से दिखेगा। अब इसे हम लोग अल्फ़ाबेट में देखेंगे। अल्फ़ाबेट में देखिए कुछ इस तरीके से दिख रहा है। उसके बाद अब हम लोग इसे न्यूमेरल्स में देखेंगे। नंबर्स में देखिए ये कुछ ऐसे दिखेगा। कस्टम में आप खुद टाइप कर सकते हैं, जो आप टाइप करना चाहें वैसा ही दिखेगा। तो काफ़ी अच्छी अच्छी मतलब इसमें सेटिंग्स अवेलेबल है। तो इसमें साइजेस भी अवेलेबल है, 400-300 में देख लेते हैं हम लोग कैसा दिखेगा। 300 में कुछ ऐसा दिखेगा। यहाँ से साइजेस को बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, मीडियम में रख सकते हैं। इसमें मीडियम भी अवेलेबल है, सेमी बोल्ड अवेलेबल है, बोल्ड भी अवेलेबल है। इसी तरीके से आप सभी की यहाँ पर ऐसी सेटिंग्स दी रहेंगी जिनको आप लाइव एक्शन में करके देख सकते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको दिखा दिया, अब बात आती है सर डाउनलोड कैसे करें। डाउनलोड करने के लिए आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं है। अगर आपको सभी को डाउनलोड करना है तो सभी के प्लस आइकन पर क्लिक करना है, या जो जो आपको डाउनलोड करना है उसके प्लस आइकन पर आपको क्लिक करना है। तो मैं राजधानी पर क्लिक कर देता हूँ एक, और एक कलम करके है इस पर क्लिक कर देता हूँ। तो क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर एक पॉपअप ओपन होकर आ रहा है। इस पर यहाँ माइनस पे क्लिक करेंगे तो ये ऐसे ओपन हो जाएगा। उसके बाद आपको सिंपली इस डाउनलोड जैसे आइकॉन पे क्लिक करना है और ये आपको डाउनलोडिंग करके दे देगा। तो मैंने कलम को एक्सट्रैक्ट कर दिया है। डेस्कटॉप पे देखिए ये फाइल यहाँ पर आ गई है, इसमें क्लिक करूंगा। अब देखिए यहाँ पे तीन फाइल ऑलरेडी है, तीन फॉन्ट वाली फाइल है। तो आपको इसे इंस्टॉल कैसे करना है, आपको यहाँ से लेके यहाँ तक सेलेक्ट करना है एक साथ, और राइट क्लिक करना है माउस से, और उसके बाद इंस्टॉल दिया है उस पर क्लिक कर देना है। तो मेरे ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है तो इसलिए मुझे ऐसा मैसेज दिखा रहा है, अदरवाइज़ आपका सीधे सीधे इंस्टॉल हो जाएगा। तो मैं यस कर दूंगा। ये तीनों फॉन्ट्स को एक साथ इंस्टॉल कर देगा। आप वन बाय वन क्लिक करेंगे तो बहुत टाइम आपको चला जाएगा, इस तरीके से कीजिए तो टाइम बचेगा। तो आप लोगों ने देख लिया जैसे कि मैंने कलम और राजधानी फॉन्ट इंस्टॉल कर लिया। अब मैं यहाँ फोटोशॉप में टाइप टूल लूँगा तो यहाँ पर मैं कुछ टाइप कर लेता हूँ। अभी देखिए मैंने ये फॉन्ट टाइप तो कर लिया, लेकिन ये अभी जो हमने जो फॉन्ट डाउनलोड किया था उसमें टाइप नहीं हुआ है। जैसा कि मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे सेलेक्ट करके पूरा, ये अडोबी की देवनागरी में टाइप हुआ है। मैं यहाँ से फॉन्ट चेंज करूँगा, जैसा कि हम लोग ने कलम डाउनलोड किया था तो यहाँ पर मैं कलम लिखूँगा। और कलम का देखिए लाइट वर्जन ये है, रेगुलर वर्जन ये है, और बोल्ड वर्जन ये है। तो देख सकते हैं आप चेंजेस, ये कलम वर्जन है। अब मैं इसे राजधानी में कन्वर्ट करूँगा तो मैं राजधानी यहाँ पर लिख रहा हूँ, आपको लाइट का दिखा रहा हूँ। लाइट में ऐसे दिखेगा, रेगुलर में ऐसा दिखेगा, मीडियम में ऐसे, सेमी बोल्ड में ऐसे, एंड बोल्ड में ऐसे। तो आई होप आप लोगों को समझ गया होगा कि आपको हिंदी फॉन्ट्स कहाँ से और कैसे डाउनलोड करने हैं। और आई होप आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी, आपको सब कुछ एकदम सही से समझ गया रहेगा। तो इसी तरीके की बेहतरीन वीडियोज़ को देखते रहने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आज की वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए क्योंकि मैं इसी तरीके की बेहतरीन वीडियोस इस चैनल पर लेके आता रहता हूँ। तो हमारे चैनल से जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए न्यू वीडियोस के लिए, और हम फिर कभी इसी तरीके की बेहतरीन वीडियोज़ में मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।